आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 8 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सभ्यता का आरंभ। तो पहले चैप्टर के टाइटल को समझेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि चैप्टर की मेन थीम क्या है। तो सबसे पहले सभ्यता शब्द का मतलब समझेंगे। सभ्यता का मतलब है बच्चों सभ्य होना, यानी कि पहले जो इंसान था वो आदि मानव के रूप में, जंगली रूप में ज़िंदगी बिताता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रहन सहन आता गया, उसने आग लगानी सीखी, खेती बाड़ी करनी सीखी, औजार बनाने सीखे, घर बनाने सीखे, फिर कपड़े पहनने सीखे। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैसे तरक्की करता गया और उसके अंदर सभ्यता की स्टार्टिंग होती गई, यानी कि सभ्य रूप के अंदर इंसान घरों के अंदर इकट्ठा होकर शांति के साथ रहने लगा। इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक है पहला किसान। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले हेमयुग का अंत हुआ। समझ में आया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई थी? आज से 10,000 साल पहले पूरी ही पृथ्वी बर्फ़ के गोले की तरह जमी हुई थी। तो इस युग का अंत आज से 10,000 साल पहले हुआ था। पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। शिकार करने वाले, फल व सब्जियां इकट्ठे करने वाले इन लोगों को ये ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीने बाद उन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी। क्या समझ में आया आदि मानवों को कि अगर वो इन फसलों के बीजों को गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद इनकी फसल तैयार हो जाएगी, यानी कि उन्हें खेती करने की समझ आनी शुरू हो गई आदि मानवों को। अब उन्होंने क्या किया कि जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और खेती की शुरुआत करी। पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई, यानी कि शुरुआती खेती हुई कहां पर? पश्चिमी एशिया में। इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित है। किसानों ने भेड़ बकरी और सुअर जैसे जानवरों को भी पालना सीख लिया, यानी कि अब जो पहले आदि मानव जानवरों जैसी तरीके से रहते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उन्हें खेती भी करनी आ रही थी, बीज बोने आ रहे थे और उन्होंने जानवरों को भी पालना सीख लिया था, ताकि वो सभ्य हो सके, उनके अंदर मैनर्स आ सके और वो शांति में ढंग से एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। कृषि की खोज का अर्थ था कि अब मनुष्यों को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदि मानव के रूप में जब इंसान सभ्य रूप में एक जगह इकट्ठा रहकर होकर नहीं रहते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में हमेशा इधर से उधर घूमना होता था। मगर वक्त के साथ साथ वो खेती करना सीख गए और अपने लिए भोजन उगाना सीख गए। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रहने लगे। उन्होंने स्थायी मकान भी बना लिए। पहले किसानों ने पत्थरों के औजार और फिर धातु के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिए। अगला टॉपिक है प्रथम नगर। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और गांव बसने लगे। धीरे धीरे ये गांव विकसित होकर नगर बन गए। सबसे पहले नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसा करते थे, क्योंकि नदी के किनारे उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, पानी की, उपजाऊ मिट्टी की, जलीय जीवों की और शिकार की भी व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए स्टार्टिंग में जब इंसानों ने घर बनाने शुरू किए थे तो ज़्यादातर जो इंसान समूह में रहते थे वो नदियों के किनारे घरों को बसाया करते थे। अब जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली का भी विकास हुआ। नगरों में आपसी व्यापार भी होने लगा, यानी कि अब इंसान वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में सहूलियत पैदा करने के लिए जल निकास प्रणाली को, यानी कि पानी की व्यवस्था दूर दूर तक पहुंचाना सीख गए और इसके साथ ही एक दूसरे से व्यापार करना भी सीख गए। तो याद रहेगा कि प्रथम नगर की शुरुआत इंसानों ने कहाँ से की थी? नदियों के किनारे पर बसकर की थी। अगला टॉपिक है प्रथम सभ्यताएँ। तो देखो बच्चों, खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो एक बहुत बड़े जन समूह के लिए काफ़ी था, पर्याप्त था। हर किसी को अपने लिए अन्न को पैदा करने की, उगाने की आवश्यकता नहीं थे। तो कुछ लोग शिल्पकार बन गए, यानी कि पत्थरों से मूर्तियां वगैरह, घर वगैरह की चीज़ें बनाने लगे। इन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज रखते थे।
इन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी के सामान भी बनाए। लुहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाने शुरू कर दिए और इन्होंने शस्त्र यानी कि हथियार भी बनाने शुरू कर दिए। इसके बदले में वे अनाज लेते थे काम करने के बदले में। लोहार इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की भी आवश्यकता थी। ये प्रथम सभ्यताएँ थीं जो एशिया और अफ्रीका के अंदर पनपने लगी थी, यानी कि अब लोग खेती के साथ साथ शिल्पकारी का भी काम करने लगे थे। बर्तन बनाने, सुंदर सुंदर जेवर बनाते थे और इनके बदले में वो इस काम के बदले में अनाज लेते थे। अब इस चैप्टर के कुछ फिलअप्स हैं। पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई, यानी कि शुरुआती खेती हुई। पहले रोटी बनाने के लिए अनाज को पत्थरों से पीसा जाता था। पहले किसानों ने पत्थर के औजार अगला है पहले किसानों ने पत्थर के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा, क्योंकि पहले जब कृषि की खोज नहीं हुई थी तो बच्चों इंसान इधर उधर जानवरों की तरीके से भटकते रहते थे खाने की तलाश में। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। अगला टॉपिक है प्रथम सभ्यता सुमेर, यानी कि पहली सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इंसान किस तरीके से सिविलाइज तरीके से स्थायी तौर पर घर बनाकर खेती कर रहने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो प्राचीन सभ्यताओं में से, यानी कि बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता, यानी कि एक रहने का तरीका, मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ ज़मीन पर पनपी। याद रखोगे कि पहली सभ्यता कहाँ पर पनपी थी, मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान इराक है। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाते थे, वे सुमेर शहर के रहने वाले थे। यदि भी यहाँ की जलवायु गर्म थी और इसके साथ ही खुशक भी थी। यहाँ की भूमि उपजाऊ कृषि के लिए उत्तम मानी जाती थी, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। तो किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेतों तक सिंचाई करने के लिए नहरें बनाना सीख लिया था और वो अच्छे तरीके से कृषि करने लगे थे। इसके अलावा बच्चों, ऐसी बहुत सी चीज़ें आज जिनसे हम परिचित हैं उनकी शुरुआत भी सुमेरवासियों ने आज से 5000 साल पहले की थी। सुमेरवासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय की शुरुआत की थी। कुम्हार के लिए पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया था। किस तरीके से इस्तेमाल किया था कुम्हार के पहिए को, जिसके ऊपर कुम्हार बर्तन बनाता है, उस पहिए को इन्होंने गाड़ियों के अंदर लगाकर इस्तेमाल किया था। उस समय की बच्चों गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टीन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिष थे, यानी कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर भी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनट के अंदर विभक्त किया था। किसने किया था बच्चों, सुमेरवासियों ने ही बताया था कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। युद्ध होने की वजह से ही बच्चों जो सुमेर की सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि जिस तरीके से सुमेरवासी रहा करते थे, जो उनकी बस्ती थी वो पूरी तरीके से युद्ध होने की वजह से ख़त्म हो गई थी। परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने और दूसरी सभ्यताओं ने रहने के तरीकों ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह ये सभी रहने के तरीके के जो लोग थे वो भी नदी के किनारे बसे हुए थे। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। क्योंकि बच्चों, जब इंसान आदि मानव के रूप में रहते थे तो वो भटकते रहते थे, मगर जब वो खेती करना सीख गए थे तो वो ग्रुप्स के अंदर नदी के किनारों पर ही रहना पसंद करते थे और वहीं के आसपास के एरियाज़ में अपने परमानेंट घर बनाते थे, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। अगली फिलअप्स हैं। सुमेरियन सुमेर शहर के रहने वाले थे। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम विद्यालय आरंभ किए। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टीन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन और ज्योतिषी थे, यानी कि एस्ट्रोलॉजर थे। अगला टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। तो प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे, यानी कि डिपेंड थे।
याद रखोगे कि जो मिस्र की साइड के रहने वाले लोग थे वो किस चीज़ पर डिपेंड थे पानी के लिए? नील नदी पर ही उन्हें पीने का पानी मिलता था और सिंचाई के लिए भी पानी मिलता था। हर वर्ष नदी में बाढ़ भी आती थी, इससे नदी के किनारे पर उपजाऊ मिट्टी भी जमा हो जाती थी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूँ और जो कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे थे ताकि उन्हें कपड़ा भी मिल सके और रोटी भी मिल सके। इन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, यानी कि लोगों के घर बढ़ते गए, उन बसेरों ने राज्यों का रूप लिया, जिसका एक राजा भी हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। प्राचीन मिस्रवासी यानी कि प्राचीन मिस्र के रहने वाले अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। आपने देखी होगी पिरामिड की पिक्चर। ये लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे, यानी कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, ये इस बात में विश्वास रखते थे। ये मकबरे में राजा के मृत यानी कि मरे हुए शरीर के साथ वो सारी चीज़ें रख देते थे जो कि उनके अगले जीवन के लिए ज़रूरी होती थी। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि देखो बच्चों, अब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, हड़प्पा की साइड के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया। तो 5000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और यहाँ के लोग मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकसित थे, बहुत ज़्यादा डेवलप थे। इनके रहने का तरीका बहुत अच्छा था यहाँ के लोगों का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहा करते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह हुआ करता था, घरों का ग्रुप। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानघर भी हुआ करते थे और यहाँ पर अनाज के गोदाम भी होते थे। हड़प्पा की जो गलियाँ थीं वो बिल्कुल सीधी थीं। इनमें मकानों की कतारें यानी कि लाइनें थीं गलियों में। इनमें से कुछ इमारतें दो मंजिल की भी थीं। बड़े मकान में पीने के पानी के लिए कुएं भी थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की थी। मकानों में स्नानघर यानी कि नहाने के लिए बाथरूम वगैरह और टॉयलेट वगैरह भी थे। घर की नालियां घर का गंदा जल गली वाली नालियों में ले जाती थीं। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपना एक अलग तरीका था। इनकी लिखने की जो कला थी, कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियों और मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग की जाती थी, जो उनकी अपनी खास पर्टिकुलर बच्चों स्टैम्प्स होती थी। ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यता बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गई और पूरा ही जो इनका कबीला था वो हमेशा के लिए मिट गया, ख़त्म हो गया। अब देखो, अगली जो सभ्यता है, अगला जो लोगों का रहने का ढंग है, वो चीन के लोगों के रहने का ढंग है, जिसका नाम है प्राचीन चीन। शांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। याद रखोगे कि शांग नाम की बहुत पुरानी चीनी सभ्यता है। तो इस सभ्यता की शुरुआत पीली नदी, वहाँ पर एक पीली नदी थी, उसके आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लिखने की प्रणाली, रेशम के वस्त्रों, ईंट मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण यानी कि माहिर थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का भी प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्रवासियों की तरह मरने के बाद मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर यानी कि मरे हुए शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली सभी चीज़ें साथ में रखते थे। शांगनाम यानी कि चीनी सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे, अभी मैंने आपको ये सब पढ़कर बता दिया। चैप्टर के फिलअप्स हैं। पहले किसान भेड़, बकरी और सुअर पालते थे। पहले किसान ने पत्थर से औजार और शस्त्र बनाना सीखा। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया में टिग्रिस नदी पर पनपी।
सुमेर धातुकारों ने पहली बार टीन और तांबे के मिश्रण का उत्पादन किया। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ उगाते थे। मोहनजोदड़ो में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की, नालियों के गंदे पानी के निकलने की तरीके की खोज हुई। मिस्रवासी राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। मैचिंग है सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे पनपी। मिस्र सभ्यता नाइल नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। और शांग सभ्यता पीली नदी घाटी के किनारे पनपी। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, अच्छे से याद कर लेना इसे। टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा। तो आंसर लिखोगे कि हिम युग का अंत होते ही पिघलती हुई बर्फ से विश्व के भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। बर्फ के पिघलने से इससे भूमि और अधिक उपजाऊ होने लगी। अब मनुष्यों को ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद उन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी। इस तरह से मानव कृषि करना सीखा। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई। तो खा का आंसर लिखोगे कि आदि मानव ने गेहूं तथा जौ की फसलें उगाई। जौ में बड़े ओ की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिए। तो आंसर लिखोगे कि कृषि की खोज से मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी। मनुष्य अब एक स्थान पर टिककर रहने लगा और उसने स्थायी यानी कि परमानेंट मकान भी बना लिए, क्योंकि वो कृषि करना खेती करना सीख गया था। अगला क्वेश्चन है घा प्रथम सभ्यता का आरंभ यानी कि शुरुआत कैसे हुई। तो घा का आंसर है कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और धीरे धीरे गांव तथा नगर बसाकर रहने लगा। सबसे पहले नगर नदियों के पास बसाए गए। जैसे जैसे नगर में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली का विकास होता गया और इस प्रकार प्रथम सभ्यता का आरंभ यानी कि शुरुआत हुई। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई तीन चीज़ों के नाम लिखो। तो सुमेर वासियों द्वारा पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली तथा प्रथम लिपि का आविष्कार किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस वजह से प्रसिद्ध थे। आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर सुंदर नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ मंदिर, सार्वजनिक स्नान घर और अनाज के गोदाम थे। कुछ इमारतें दो मंजिला भी थीं। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का, नालियों का जाल बिछाने की चीज़ की, इस चीज़ की खोज की थी इन्होंने सबसे पहली बार।